सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे अपने घर पे। और आज का जो वीडियो है ये साड़ी ड्रेपिंग का है, क्योंकि मुझे बहुत दिनों से रिक्वेस्ट आई थी कि मैम आप ना मतलब जो बेसिक साड़ी होती है बिगनर फैमिली वाली, वो कैसे वियर करते हैं। सो वही आज मैं आपको बता रही हूँ। सो इस साड़ी में मैंने सबसे पहले अपने मतलब उसको साड़ी को अच्छे से लपेट लिया था चारों तरफ पेटीकोट के। इसके बाद में मैं जो ये आप देख रहे हैं ना लपेट, जब मैंने इसे अच्छे से लपेट लिया तो उसके बाद जो ये हिस्सा इतना सारा बचा हुआ है, उसको फिर मैं राउंड से पीछे से लेकर के अपने शोल्डर पर डालूंगी। इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा आप लोग कि पेटीकोट को थोड़ा टाइटली बांधिएगा, और इतना भी टाइट नहीं बांधिएगा कि वहाँ पे आपको एकदम कुछ निशान से पड़ जाए। ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। देखिए इस टाइप से मैंने इस छोर को जो एक दूसरा कोना होता है उसे मैंने ऐसे पकड़ लिया है अच्छे से मतलब बराबर करके। अब देखिए मैंने इसको घुमा करके और शोल्डर पर अपने रख लूँगी। और तो ये चीज़ आप ज़रूर करिएगा कि जो आप पल्ला बनाएंगे वो थोड़ा सा लॉन्ग होना चाहिए, तभी आप देखने में थोड़े से लंबे और स्लिम फिट लगोगे। अगर आपको मैंने ना ये वीडियो बनाई हुई है, अगर आपको इस वीडियो को देखना है कि लंबे और स्लिम कैसे दिखें साड़ी पे, कौन कौन से आइडियाज़ हैं, तो वो मेरी इसी साड़ी पे यूट्यूब मतलब इसी ही मैं लिंक डाल दूँगी। आप वहाँ पर जाके चेकआउट कर सकते हैं। अब इसके बाद में बोलती गई और मैं बोलने में भूल गई थी कि मुझे क्या बोलना है, तो उसके लिए आई एम सॉरी। उसके बाद जो ये आप देख रहे हैं ना यहाँ पे जो मैंने बचाया हुआ था कपड़ा प्लेट बनाने के लिए, उसको मैं यहाँ पे ऐसे करके अच्छे से टक कर लूँगी। बहुत से लोगों को प्रॉब्लम होती है तो वो यहाँ पर पिन लगा सकते हैं। मैं आगे आगे आपको दिखाती रहूँगी कि मैंने पिन कैसे और कहाँ पर लगाई है। आप इससे अच्छे से आपकी जो प्लेटें हैं वो मैनेज हो जाएंगी और आपकी प्लेटें इधर उधर जाएंगी भी नहीं, मतलब इधर उधर मतलब लंबी छोटी बड़ी नहीं दिखेंगी, सब एकदम एक सार सी रहेंगी और सुंदर दिखेंगी प्लेटों। मैं प्लेट जो बना रही हूँ आप देख सकते हैं, मैंने बहुत से लोग इस साइड से भी प्लेट बनाते हैं बट इस साइड से प्लेट अच्छी नहीं बनती हैं। देखिए अब यहाँ पे मैं ना पिन लगा के आपको दिखा रही हूँ। पिन आपको एकदम ऊपर ही टक करनी होगी अच्छे से, ताकि ये पिन बाद में हमें निकालनी रहती है, क्योंकि आप जब ज़्यादा साड़ियों में पिन लगाओगे तो आपको पता है कि फैब्रिक बहुत सी ऐसा फैब्रिक होता है जो फटने का डर रहता है, नाजुक फैब्रिक होते हैं। इसी वजह से ज़्यादा पिन ना लगाएं साड़ी में अगर आपको डेली वियर पहननी है। जैसे बहुत सी नई बहुएं होती हैं और उन्हें साड़ी पहनना नहीं आता है, बहुत जगह पर ऐसा होता है कि आपको परमानेंट साड़ी पहननी रहती है। उसी के लिए मैं ये चीज़ बता रही हूँ, ज़्यादा पिन वगैरह मत लगाइए। इतना मैंने यहाँ पर छोड़ दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। हाँ, अब मैंने यहाँ से ना प्लेटें बनाना स्टार्ट कर दिया है। प्लेटें आप इस टाइप से बनाएंगे तो बहुत आसानी से बन जाती है। प्लेटें बहुत तरीक़ों से बनती हैं बट जो मैंने ये तरीका बताया है ना, ये बहुत ईजिली बन जाता है। आप इस टाइप से प्लेटें बना लीजिएगा, और मैंने एक एक स्टेप बाय स्टेप दिखाया है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा, और किसी भी रीजन से पसंद आ रहा है ना तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, रेड कलर के बटन से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा नहीं लग रहा है। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, उसके बाद बेल वाला बटन क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरी वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, मेरी सारी हेल्पफुल वीडियोस देख सको। मैंने सारी प्लेटों को एक साथ कर लिया है। देखिए अच्छे से मैं हर एक प्लेट को बराबर कर रही हूँ ताकि ऊंची नीची ना रहे और देखने में ख़राब ना लगे। अब मैं इसे अच्छे से पिनअप करूँगी, आगे आगे आप देखते जाइएगा। आपको ना हर जगह से प्लेटों को मतलब अच्छे से बराबर करके ही मतलब आपको इन करना होगा, ताकि आपकी प्लेटें, मैं बार बार कह रही हूँ, प्लेटों से ही साड़ी का लुक समझ में आता है कि साड़ी कैसी पहनी गई है। उसके बाद में मैं यहाँ पे आप देखिए ये चीज़ें जो होती हैं ना, ये नए लोगों के लिए हैं, बिगनर एकदम, कि बहुत से लोगों की मतलब आप इन करने में थोड़ा छोटा बड़ा हो जाता है, तो आगे की दो प्लेटें छोड़ करके आप बाकी की प्लेटों को थोड़ा सा ऊपर कर लीजिएगा, तो इससे ना प्लेटें बहुत अच्छी बन जाती हैं। और ये शायद किसी ने बताया नहीं होगा, ये मैंने अपनी मम्मी से सीखा हुआ है, वही मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। उसके बाद में मैं पिन यहाँ पे देखिए मैं अच्छे से लगाऊंगी। बहुत सी जो पिन होती हैं सो वाली, वो आप लगा सकते हो बाहर से, बट मैं अंदर से लगा रही हूँ, मैं सो वाली पिन नहीं लगा रही हूँ।
तो बहुत अच्छे से इसे हमें पिन को भी ध्यान से लगाना होगा ताकि फैब्रिक ना फटे, और हर चीज़ों का ध्यान लगाकर ही कपड़ा, आपको पता है, साड़ी पहनना चाहिए। और उसके बाद में मैं पिन लगा लूँगी अच्छे से, और हमें पेटीकोट में नहीं सिर्फ प्लेटों पे पिन लगानी है। और इसके बाद हम थोड़े से अच्छे से प्लेटों को मैनेज करते रहेंगे। उसके बाद में मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कैसे अब यहाँ पे भी मैं अपना एक पिन लगाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये सही नहीं है। सो मैं यहाँ पे एक पिन लगाऊँगी। अगर आप डेली बेस पे पहन रहे हो या बहुत ज़्यादा खिंच रही है तो आपको लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतना भी काफ़ी है, इनफ है। लेकिन आप ना पेटीकोट और साड़ी पे ही लगाइएगा। अच्छा, मैंने जो पहले लगाई हुई थी ना ऊपर साइड में, वो मैंने निकाल दी थी। अब उसकी जगह पे मैं यहाँ पे पेटीकोट और साड़ी को लेकर, दोनों को लेकर मैं पिनअप कर रही हूँ, ताकि साड़ी इधर उधर भगे ना। सो आप देख सकते हैं मेरी प्लेटें बहुत आसानी से बन गई हैं। सो इसके बाद में मैं अब आपको फाइनल लुक दिखाने वाली हूँ अपना। सो अगर आपको मतलब नॉर्मल ऐसे ओपन पल्ला लेना है तो आप ओपन पल्ला ले सकते हैं। सो ये है मेरा फाइनल लुक, आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन है, मतलब कितनी सुंदर से साड़ी पहनी गई है कि लग नहीं रहा है कि ये डेली वियर साड़ी है। बट ये मैंने डेली वियर जो मतलब एकदम नई नई लेडीज़ होती हैं, शादी करके आती हैं, उनके लिए है। सो आप यहाँ पे पल्ला अगर चाहते हैं पल्ला बनाना, तो मैं आपको पल्ला बना करके भी पिनअप वाला करके दिखा दूँगी अच्छे से, ताकि आप सारी प्लेटें कैसे बनाएं पल्लों की। अभी तो मैंने ओपन पल्ला का बनाया हुआ है वीडियो, अगर आपको चाहिए होगा तो प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा, और मैं डिस्क्रिप्शन में अपनी कुछ जो पिनअप वाली साड़ी है जो मैंने पल्ला बना रखा है उसका लिंक भी डाल दूँगी। सो वहाँ से पे आप जाकर देख सकते हो आराम से। सो प्लीज़ अगर कहीं भी आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है या कोई भी प्रॉब्लम है वीडियो में, तो ज़रूर बताइएगा मुझे कॉमेंट बॉक्स में। सो बाय एंड टेक केयर।